इधर आना जरा, सहलाना जरा, खुजाना जरा, एक मिनट रुकना जरा। ये समूह के कमाल कमाल के वर्ड्स के ट्रांसलेशन क्या होगी, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जरा जरा वाले सेंटेंस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो आज ही मैं आपको कमाल कमाल के वर्ड सिखा दूंगी, जो जरा जरा वाले होते हैं उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बता दूंगी। तो इस वीडियो को टिल एंड जरूर देख लीजिए, आप जरा जरा में महारत हासिल कर लेंगे और ये सब की ट्रांसलेशन आप जान जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरे वीडियो का लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए, चैनल को बेल आइकन में प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वाला वर्ड है खिसकना जरा। आप खिसकना जरा का मतलब होता है थोड़ा सा हटना जरा। आप किसी भी हम लोग को सामने आ जाए कोई और सामने हमें जगह नहीं दे रहा, हम कहते हैं खिसकना जरा, भाई हमें अपनी जमाने दो, तो खिसकना जरा। अब आप सोचेंगे खिसकना जरा को क्या कहेंगे, आप रुक जाएंगे। खिसकना जरा को कहते हैं मूव अ बिट, इसका मतलब होता है थोड़ा सा हट जाओ भाई, हमें जाने दो। या आप मूव अ लिटिल भी कह सकते हैं, पर खिसकना तो हम सब समझ जाते थे मूव, पर खिसकना जरा, बाप रे, जरा 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 दिमाग खराब हो रहा है, इसीलिए इसको हमने बिट से समझाया, BIT बिट। तो आप समझ जाइएगा खिसकना जरा, मूव अ बिट। नेक्स्ट वाला वर्ड देख, नेक्स्ट वाला वर्ड है सरकाना इसे जरा। अब हम किसी भी चीज हटाने की, मम्मी झाड़ू पोछा करती है, बोलती है बेटा इसे सरकाना जरा, कुछ तो करते नहीं है, इसको ही हटा दो जरा। तो ये मतलब सरकाना जरा का मतलब थोड़ा सा हटा दो इसे। अब सरकाना जरा को क्या कहेंगे, सरकाना जरा को कहेंगे वो शेटा लिटिल। अब मम्मी कभी भी कह दे बेटा सरकाना इसे हमें झाड़ू करना है, मम्मी पुशीटा लिटिल बोलो ना, सरकना जरा क्या होता है, मम्मी उधर ही खोपड़ा हो जाएगी, मम्मी से मत बोलना, किसी से भी बोल देना। तो सरकाना जरा का मतलब होता है पुशीटा लिटिल। आओ नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला वर्ड है खुजाना जरा। अब ये भी हमें खुजाना हो, किसी को हम लोग कहते हैं हमें खुजा दो जरा, अभी हमें पीठ में खुजवानी है, हम लोग थोड़ी खुजा सकते हैं, हम लोग दूसरे को कहते हैं भाई साहब थोड़ा खुजाइए जरा, थोड़ा तो खुजा दो। तो खुजाना जरा इसको क्या कहेंगे, स्क्रैच इट अ बिट। इसका ऐसा थोड़ा बड़ा है कि स्क्रैच कर दो पूरा, जैसे बिल्ली झपट्टा मारती, तो इसका मतलब ये नहीं होता। स्क्रैच इट का मतलब होता है कि खुजाना जरा। अब जरा 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 आ जाए खुजाने के साथ, तो लगा दीजिएगा ये स्क्रैच के साथ बिट, स्क्रैच इट अ बिट, समझ आ गया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखो, ओए खुजाना जरा, ओए कैमरा बंद कर। नेक्स्ट वाला वर्ड है सहलाना जरा। इसका मतलब होता है थोड़ा सा सहला दो, थोड़ा सा सहला दो, मेरी नींद आ जाएगी। वो कहता ये बहुत ही अच्छा हो रहा है, सहलाना जरा। इसका मतलब होता है थोड़ा सहला दो, किसी भी चोट लग जाती है हम कहते हैं थोड़ा सहला दो। तो सहलाना जरा की जो इंग्लिश होती है वो होती है स्ट्रोक अ बिट, स्ट्रोक अ बिट। अब इसको लगा भी सकते हैं, मेरे हाथ में सहला दो, स्ट्रोक अ बिट ऑन माई हैंड। अब वैक्सीन इंजेक्शन लग रहा था, मैंने उसको ही बोल दिया भाई मेरा सहला दो, वो कहता जाओ भाई अब यहाँ से। तो समझ आ गया सहलाना जरा का मतलब होता है स्ट्रोक अ बिट। नेक्स्ट वाला वर्ड है पास आना जरा। किसी को भी कोई चीज बतानी होती है हम कहते हैं पास आना जरा, लाखों की बात बताएंगे, लाखों की बात होती नहीं है वैसे। और हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि इधर आ रहा पास आना जरा, कान में भी बोल देते कुछ, या कुछ किसी को किसी दिखाना होता है पास आना जरा ये देखो। तो पास आना जरा की जो इंग्लिश होती है वो होती है कम क्लोजर। ओए कम क्लोजर, एक बात बताऊंगी, सो कम क्लोजर। आप भी जो भी वीडियो देख रहे कम क्लोजर, आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो हमारे क्लोज आ जाएंगे, आपको हमारे वीडियो नया नया मिलता रहेगा। सो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सब्सक्राइब करके। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला वर्ड है खींचना जरा। कोई खींचने की बात है, रस्सी खींच रहा है या कुछ भी खींच रहा है, तो खींचने का जरा का क्या होगा, जरा जरा। तो खींचने जरा की जो इंग्लिश होती है वो होती है पुल इट अ बिट। पुल इट अ बिट का मतलब होता है खींचना जरा, कुछ भी चीज खींचने की बात हो जाए, जैसे कि रस्सी खींचना, पुल इट द रस्सी, रस्सी की पुल इट अ रोप, समझ आ गया। तो पुल इट अ बिट, अब कोई भी चीज खींचने की बात आ जाए वो नाम आप लगा सकते हैं सही। तो समझ आ गया, किसी भी चीज खींचने की बात आ जाए पुल इट अ बिट। नेक्स्ट वाला वर्ड है उठाना जरा। अब पत्थर उठा दो या कुछ भी चीज उठा दो, मम्मी तो हमें काम करवाती है तो कहती है उठाना जरा, ये चद्दर को उठाना जरा, ये कुछ उठाना जरा। तो उठाना जरा की क्या होगी इंग्लिश ट्रांसलेशन, उठाने जरा इंग्लिश होती है
पिकेट अप, पिकेट अप इसका मतलब होता है उठाना जरा। तो मम्मी कहती बैग उठा दो, पिकेट अप द बैग, ऐसे करके। तो उठाना जरा का मतलब होता है पिकेट अप। समझ आ गया? नेक्स्ट वाला वर्ड देखो, नेक्स्ट वाला वर्ड है देना जरा। कुछ भी चीज देने की बात आ जाए, मम्मी हमें किताब दे दो, हमें मिलनी नहीं है, कुछ भी मिलती नहीं है भाई, हमें तो मम्मी चाहिए होती है। तो कोई भी चीज देने की बात आ जाए तो पासा बेट। अब कुछ भी चीज में थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा देना जरा, तो पासा बेट। कोई खा रहा है कोई चिप्स विप्स, हमें तो किसी की चिप्स दिख जाए, हमें बस मन करता है पासा बेट, हमें भी थोड़ा सा खिला दो। तो पासा बेट मतलब देना जरा। नेक्स्ट वाला वर्ड है हटना जरा, मतलब सामने में कोई डोड़े जमा के खड़े हो जाए, हमें तो कोई जगह ही नहीं मिल रहा, हम कहते हैं हटना जरा। तो हटना जरा की जो इंग्लिश होती है वो होती है गिव मी अ वे। फॉरेन कंट्री में ऐसे कहते हैं, ओए गिव मी अ वे, गिव मी अ वे, बहुत अच्छा लग रहा है ये तो, गिव मी अ वे। पहले कहते हटना जरा, थोड़ा सा हमें भी जाने दो, अभी गिव मी अ वे। तो हटना जरा को आप कह सकते हैं गिव मी अवे, या गिव मी को आप मिला के भी बोल सकते हैं, स्लैंग वर्ड से मैंने सिखा के रखा है गिव मी अवे, ऐसे करके GIMME गिव मी, ठीक है, ये तो डॉगी का नाम हो रहा है जिमी, तो गिव मी अवे। नेक्स्ट वाला वर्ड देखो, नेक्स्ट वाला वर्ड है एक मिनट रुकना जरा। अब हम लोग किसी से फोन पे बात कर देते हैं, हम लोग कहते हैं एक मिनट रुकना जरा, मैं अभी आई। तो एक मिनट रुकना जरा हम कहते हैं, हम थोड़ा काम वाम कर लेते हैं फिर आते हैं, फिर बोलते हैं हाँ आई एम बैक, ऐसे करके बोल सकते हैं। पर जब एक मिनट रुकना जरा बोलते हैं तब हम कह सकते हैं होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। तो जब कभी भी बस दो ही शब्द फूटेंगे मुँह से, होल्ड ऑन, थोड़ा सा रुक जाओ जरा, होल्ड ऑन फॉर सम टाइम्स, ऐसे करके भी बोल सकते हैं आई एम बैक, आई एम, जब आप आ जाए ऐसे बोल सकते हैं। तो एक मिनट रुकना जरा, दो मिनट रुकना जरा, दो ही शब्द फूटेंगे वो है होल्ड ऑन। नेक्स्ट वाला वर्ड देख, नेक्स्ट वाला वर्ड है बात सुनना जरा। इधर आओ जरा, बात सुनना जरा, आप जो वीडियो देख रहे हैं बात सुनना जरा। तो बात सुनना जरा, बात सुनने जरा की जो इंग्लिश होती है वो होती है लिसन अ बिट, लिसन अ बिट। हम बिट बिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जरा जरा है ना, ये जरा जरा हमारा दिमाग खराब कर देता है, जरा आ जाए तो ये बिट या लिटिल ऐसे कुछ तो लगते ही है, इसीलिए मतलब थोड़ा सा जब हम कहते हैं जल्दी इधर आ जाओ सुन के चले जाओ, तो ये जरा वाला हम लोग यूज करते हैं, इसलिए ये जरा कंफ्यूज कर देता है। तो बात सुनना जरा की जो इंग्लिश है वो है लिसन अ बिट। समझ आ गया? लास्ट वाला वर्ड है गांठ बांधना जरा। गांठ बांधना जरा की मतलब कोई रस्सी बांध देना जरा, रस्सी नहीं बनती हमारी, शूलेस नहीं बन रही है, तो गांठ बांध देना जरा, तो ऐसे करके हम कहते हैं। तो गांठ बांधने जरा की जो इंग्लिश होती है, हमें जरा जरा नहीं समझ आती तो हम कटरीना लगा देते हैं, पर नहीं लगाना, आप बोल सकते हैं टाई अ नॉट, टाई अ नॉट। अब किसी भी गांठ बांधने आपको कहना हो कि आप पैकिंग कर रहे हैं उसके जो रिबन्स है वो गांठ बांध देना जरा, तो टाई अ नॉट, समझ आ गया, टाई अ नॉट ऑफ दिस रिबन, ऐसे भी बड़ा करके भी बोल सकते हैं। समझ आ गया? सो इस वीडियो के लिए इतना ही, आपकी फीस 1 तारीख हो चुकी है, दे दो, सब्सक्राइब करके जाइए तभी मेरा फीस कंप्लीट हो जाएगा, और इस वीडियो को शेयर करके पूरा फैला दीजिए, जरा 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 को गोली मारिएगा, सब लोग को समझ आ जाए ये कंफ्यूजिंग, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में सेलेक्ट कर लीजिएगा। आई विल बी राइट बैक विद माय न्यू वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।